इस राय खानदान को मैं तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सब बिखेर दूंगी मैं, जिस तरह मेरे मन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इस इंसान से प्यार करके। चलिए बड़ी बुआ, अब हम क्या करेंगे जमुना? हाँ बेटा, तू ही बताना अब क्या करेंगे। जमुना, चुपचाप क्यों खड़ी हो? अब तक तुम्हारे पापा की इज्जत के लिए चुप थी, पर जरूरत पड़ी तो हम भी कोर्ट में जाएंगे। नहीं माँ, हाँ? मैं कोर्ट कचहरी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जमुना। हाँ माँ, थोड़ा वक्त दीजिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। वक्त सब कुछ ठीक कर देता है माँ, ये मेरे मन का विश्वास है, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। इतना कुछ होने के बाद भी तुम ये बात कर रही हो? तुम्हारे चले जाने के बाद अगर वो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करेगी तो? माँ, माँ मेरी छोड़ी जगह पर आर्या आ सकती है, वो इस घर में मेरे कमरे में जगह बना सकती है, लेकिन मेरे पति के मन में वो कभी अपनी जगह नहीं बना सकती। मुझे यकीन है कभी जगह नहीं बना पाएगी। जमुना, क्या हुआ? जमुना, जमुना, अब मैं कुछ दिन इसी घर में रुकूंगी, फिर देखती हूँ मेरी बड़ी बुआ और आर्या मिलकर क्या क्या गुल खिलाएंगी। घर का बंटवारा कर सकती हैं, कमरा छीन सकती हैं, लेकिन मेरा पति तो नहीं छीन सकती ना। इन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। बुआ जी, बुआ जी, ये देखिए, पकड़िए इसे, गंगा जल लाया। हाँ लाओ बेटा, गंगा जल दो। ये घर ही पूरी तरह से दूषित हो गया है, अशुद्ध हो गया है। कैसी बहू लेकर आए हो तुम लोग, घर को अशुद्ध कर दिया है। जय माँ गंगा। हाँ, इन सब चीजों के लिए वेद ही जिम्मेदार है। जी तो कर रहा है थप्पड़ मार मार के इसका मुंह सुजा दूं। जाती हूँ, पूरे घर में गंगा जल छिड़कती हूँ, पूरे घर में छिड़कना होगा। नई बहू के जो मन में आया कर रही है, जो मन किया वो खा रही है। अरे कहाँ से उठाकर लाया इसे? हाँ, ना पूजा पाठ करती है और ना ही कभी खाना बनाती है, ना झाड़ू पोछा करती है, ना बर्तन धोती है, और कुछ भी नहीं करती। देखिए बुआ दादी, आपने अभी जो लिस्ट गिनवाई, मतलब शंख बजाना, दिया जलाना, पूजा पाठ करना, ये सब ना पंडितों पुरोहितों का काम होता है। इसका मतलब आपको घर की बहू नहीं बल्कि पुरोहित चाहिए, पुरोहित। और आप जो ये बर्तन धोना, साफ सफाई करना, ये सारे काम जो कह रही थी ना, ये सब घर की नौकरानी करती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर की बहू नहीं बल्कि एक बढ़िया सी नौकरानी चाहिए। और क्या कहा, खाना बनाने का काम, वो काम ना एक बावर्ची का होता है। मतलब आपको घर की बहू नहीं एक बावर्ची की जरूरत है। बुआ दादी, आपको एक ही इंसान में बावर्ची, घर की नौकरानी, पंडित और सब कुछ चाहिए। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा हटो, तुम हटो, मैं गंगा जल छिड़क दूँ। घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए, घर शुद्ध हो जाए, घर में सुख शांति का निवास हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, घर में शांति आए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये कैसी महक आ रही है? किस चीज की महक है? ये गंगा जल की बोतल है ना? अरे इसमें तो सोमरस है। क्या है इसमें? सोमरस, सोमरस। सोमरस मतलब? बोरानी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ कि सोमरस है, सोमरस। सुरा उधर है। बहुरानी, सोमरस मतलब क्या कह रही हो? बुआ दादी, मैं अब आपको कैसे समझाऊं?
विदेशी भाषा में समझाओ तो स्कॉच है? एश्कोच? एश्कोच नहीं बुआ दादी, एश्कोच नहीं बुआ दादी, स्कॉच, स्कॉच। पर ये होता क्या है? ये एक बहुत ही पवित्र चीज है, इतनी पवित्र कि मैं कह रहा था कि बुआ जी को ये सब मत बताना, नहीं तो बेहोश हो जाएंगे। बुआ जी, आपको पता है ये बहुत ही पवित्र जल है, इससे ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं है। तभी इसे एश्कोच कहते हैं। अच्छा बुआ दादी, इसमें से सुगंध भी आ रही है ना? अब क्या होगा? अच्छा तो फिर ये जल पूरे घर में छिड़क दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, बुआ जी बिल्कुल भी नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? तुमने ही तो कहा पवित्र जल है, बहुत हाँ, अच्छा जल है। लेकिन जय हो एश्कोच। अरे बुआ जी रहने दीजिए अब। पर क्यों? मैंने कहा ना, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये वेद का बच्चा कहाँ है? नालायक, कहाँ है निकम्मे वेद? वेद? हाँ पापा, क्या हो गया? ये बोतल यहाँ पर कैसे आई? अच्छा वो पापा ये यहीं घर पर ही थी, पर आपकी बहू रानी ने कहा है कि ये सब सामान घर पर नहीं रखा जाएगा। पर ये लायक कौन है? अरे बाबा, तुझे तो पता ही है ना कि मैं कभी कभार एक दो पैक पी लेता हूँ, पर उससे तुम्हें क्या परेशानी है? अरे मुझे मुझे कोई परेशानी नहीं। अरे क्या हुआ है? क्या खुसर पुसर हो रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है बुआ जी। तो मैं ये जल छिड़कूं? छिड़किए। जय एश्कोच, जय एश्कोच। अंगी गड़बड़ हो गई, अगर दादी को पता चल गया ना कि ये कौन सा शुद्ध जल है तो। जय एश्कोच, जय एश्कोच। तुम्हें तो मैं दिखाऊंगी, तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। तुम मेरे घर में आई ही क्यों? क्या माँ, और मैं करती भी क्या, आप बताइए जरा। आप लोग तो घर की साफ सफाई करते ही नहीं है, और जब मैं इस घर में आई तभी तो मुझे इस स्कॉच की बोतल दिखी ना। इसका मतलब पॉप्स छुप छुप कर पीते हैं। मुझे तो ये पता ही नहीं था। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ, मैं भी कभी कभी पॉप्स को कंपनी दे दूंगी। क्या? मैं कह रही थी पॉप्स, मैं भी बैठ जाऊंगी। मैं बैठ जाऊंगी मतलब तुम स्कॉच पियोगी? एश्कोच। ये क्या, इसे पी सकते हैं? मैं भी पीऊं? नहीं बुआ जी, रुक जाइए बुआ जी, ये पीने से आपको। पीने से क्या? ये हा? पीने से आपको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाएंगे बुआ जी। क्या होगा? आप कमरे में जाइए बुआ जी, यहाँ से जाइए। क्यों? जाइए। पीने नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पी सकती। तो कहा था पवित्र जल है। अरे मेहरबानी करके आप कमरे में जाइए बुआ जी, जाइए आराम से कमरे में जाइए। जय एश्कोच, जय एश्कोच, जय एश्कोच, जय एश्कोच, जय एश्कोच। क्यों किया तुमने, क्यों किया तुमने, ये सब बताओ। क्या कह रही है मॉम्स, क्यों किया मतलब? और तुम कह रही हो कि तुम अपने ससुर जी के साथ बैठकर पियोगी? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ससुर जी अगर घर में बैठकर स्कॉच पी सकते हैं तो फिर बहू भी तो पी सकती है ना मॉम्स। मतलब तुम जो भी करती हो क्या मैं भी वो सब करूँ? हाँ बिल्कुल कीजिए पॉप्स, आप सब कुछ कर सकते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि एक दिन आप सब मेरे साथ ना डिस्क चलिए, प्लीज चलिए ना। लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। नहीं ताऊस, आपको तो मेरे साथ जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के साथ तो मैं डांस करूंगी। अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हो बोरानी, ये सब क्या कर रही हो बोरानी? आप नहीं समझेंगे, ये सब आप नहीं समझेंगे। रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। वेद हाँ अपना फोन दे। क्यों माँ? तेरे ससुराल फोन करूंगी। नहीं माँ, नहीं माँ ऐसा मत करो माँ। माँ भैया वो देखिए कैसे बेचारी बुआ जी पूरे घर में स्कॉच को पवित्र जल समझकर छिड़क रही है। ये गंगा जल की बोतल आखिर हटाई किसने? मुझसे ही गलती हो गई भाई, मैं समझ ही नहीं पाया। उन्होंने गंगा जल मांगा और मैंने ये दे दिया। क्या आपने?
आपका ना भैया कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। पूरे घर में इसकी गंध फैल गई है, घर पर लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या होगा अब? कहना क्या है पॉप्स, बस यही कहेंगे कि मेरे ससुर जी पीते हैं। बहुरानी ज्यादा बड़े बोल मत बोलो। शांत रहिए, शांत रहिए। इस बार मैंने डिसाइड किया है कि हम सब मिलकर डिस्को जाएंगे। इस तरह से नाच गाकर स्कॉच छिड़कवाकर तुम घर गृहस्थी संभालोगी? गृहस्थी ऐसे नहीं संभाली जाती, इसे घर बर्बाद करना कहते हैं। तुम घर को बर्बाद कर रही हो। जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। ये भी कोई घर है क्या जहाँ सिर्फ आप लोग खुद ही एंजॉय कर रहे हो? रागिनी, ठीक से बात करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ भैया भी खड़े हैं? तुम भूल गई हो शायद कि हम में से कोई भी भैया के सामने इस तरह से बात नहीं मैं करता। मैं सच कह रही हूँ और अब से मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगी। जब से जमुना इस घर में आई है आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है? तभी आप लोगों के साथ एक छत के नीचे रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अदालत में अर्जी लगाई है मैंने। अदालत का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि मुझे इस घर में, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो फिर हम लोग पीछे क्यों रहे? हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। हाँ ठीक ही तो बोल रही है छोटी भाभी। छोटी भाभी अपने हिस्से के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। हाँ क्योंकि बाद में ना झोली में कुछ भी नहीं आएगा, बस ढूंढू ढूंढू। ठीक कहा भैया, मुझे भी हिस्सा चाहिए। ए मल्लिका, होश में रहकर बात करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप हो जाओ। बंटवारा चाहती हो? उस रागिनी के सुर में सुर मिला रही हो तुम। यहाँ किसी के लिए कोई बंटवारा नहीं होगा। हम सब साथ मिलकर पहले भी रहते थे और अब भी रहेंगे। जमुना ने हमें यही सिखाया है। जमुना जमुना जमुना, हर वक्त जहाँ देखो जिसे देखो बस जमुना जमुना सुनने को मिलता है। मैं तो थक गई हूँ। ऐसा क्या है उसमें जो दूसरों में नहीं है? एक ढोली की बेटी को इतना सर पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? रंजना, लिमिट में रहकर बात करो, जबान संभाल कर। मत भूलो कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रही। नहीं भूली मामा जी, और नहीं भूली इसीलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि जमुना ने मेरे पापा का बार बार अपमान किया है, सभी के सामने चोर साबित किया है। इसके बाद आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हे रंजना, ठीक से बात करो, एक बार फिर कह रहा हूँ तुम्हें। रागिनी, रंजना कैसे बात कर रही है सबसे? उसे कहो ठीक से बात करे। वो ऐसे ही बात करेगी माँ। मेरी बेटी सबके सामने ऐसे ही बात करेगी। इस प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, ये मैं सबके सामने बार बार साफ साफ कह रही हूँ। बंटवारा नहीं होगा। इस घर का कोई भी बंटवारा नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगी। आप हैं कौन और आप इतना क्यों बोल रही हैं? ये प्रॉपर्टी आपकी है क्या? रागिनी! बड़े भैया, अपना हाथ रोक लीजिए, अपना हाथ रोक लीजिए भैया। ये भूलिए मत, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूं। भैया भैया आप शांत हो जाइए, मेरे साथ आइए। आप शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। रागिनी आओ ना बहन, हम लोग साथ मिलकर फिर से खुशी से रहें। हम सभी भाई बहन मिलकर एक बार फिर से खुशियां मनाते हैं, नाचते गाते हैं। चलो ना हम सभी मिलकर फिर से कोशिश करके इसे सुंदर सा घर बनाएं, ठीक उसी तरह जैसे सब मिलकर एक सुखी परिवार में सभी सुख दुख साथ बांटते हैं। चलो ना हम सभी मिलकर एक कोशिश करें जैसे हम लोग पहले रहते थे, प्यार से साथ साथ रहते थे। चलो ना। कोई फायदा नहीं समझाने का, उसके सर पर भूत सवार है, वो पूरी तरह पागल हो गई है। मुझे हिस्सा चाहिए। मुझे भी हिस्सा चाहिए। मल्लिका तुम चुप रहो, एकदम चुप रहो। अब और एक शब्द अपने मुंह से निकाला तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या करेंगे आप? अगर रंजना हिस्सा मांगती है और मेरी बेटी को हिस्सा ना मिला तो? अगर संगीत और जमुना ने सब कुछ हड़प लिया तो क्या करेंगे आप? ठीक कह रही हैं आप। संगीत भैया और जमुना यहाँ सब हड़पने के लिए वापस आए हैं, सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहते हैं, सब अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं।
ये जमुना ना बहुत ही चालाक लड़की है। अच्छे इंसान का नकाब पहनकर सब कुछ अपने हाथों में करना चाहती है। वो सब कुछ निकल जाएगी, जैसे नानी माँ, बड़े मामा और छोटे मामा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, और धीरे धीरे सब कुछ हजम कर जाएगी। ये मुखौटा पहनने वाली लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। रंजना, अपनी हद में रहकर बात करो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो मन में आ रहा है बोलती जा रही हो? दो दिन घर से दूर क्या चली गई? तुम्हारा तमाशा शुरू हो गया? ए जमुना, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। और दो दिन ही क्यों, अब कभी भी तुम इस घर में दोबारा घुस नहीं पाओगी। इस घर में मेहमान के रूप में मैं आर्या को लेकर आई हूँ। हाँ, आर्या मेरे साथ है और अब वो मेरे साथ ही रहेगी। आर्या इस घर में नहीं रहेगी। रहेगी, वो मेरे हिस्से में रहेगी। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? हाँ, भाई बहन होकर आपस में ऐसे लड़ रहे हो? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं जब तक जिंदा हूँ, कम से कम तब तक तो ये सब रहने दो, ऐसा मत करो। माँ, माँ आप मत रोइए। माँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी आंखों से आंसू मत बहाइए। हम सभी, भैया, मैं, हम सभी ने मिलकर बहुत दिनों बाद इतने खुशी का समय बिताया। आपने देखा ना माँ, भैया ने एक लंबे समय बाद आपको माँ कहकर पुकारा। केदार, और एक बार मुझे माँ कहकर बुलाओगे? बोलो ना, और एक बार बस। माँ, माँ, माँ। इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? आप बिल्कुल मत रोइए माँ, मत रोइए। ये सब मैं नहीं जानती। अगर रागिनी हिस्सा मांगती है तो फिर मुझे भी हिस्सा जरूर चाहिए। जरूरत पड़ी तो मैं रसोई अलग कर लूंगी। नहीं, रसोई अलग नहीं होगी। कोई रसोई अलग करके दिखाए तो, इस घर के हिस्से करके दिखाए तो जरा। कौन रोकेगा? तुम रोकोगी? हाँ, मैं रोकूंगी। अच्छा, ढोली की बेटी रोकेगी? हाँ, ये ढोली की बेटी ही रोकेगी। अरे, ये केस अब अदालत में है, अदालत में। उसमें तुम क्या कर लोगी? जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाऊंगी। जितना दूर जाना पड़े उतना दूर जाऊंगी, लेकिन ये घर टूटने नहीं दूंगी, इसका बंटवारा होने नहीं दूंगी। हम सब साथ मिलकर ही रहेंगे। आप लोगों को हमारे साथ रहना होगा। मेरे ससुर जी, मेरे चाचा जी, मेरी दादी माँ, मेरी सासू माँ, इन सबके साथ मिलकर रहना होगा, रहना ही होगा। तुम्हारे कानों में क्या मैल जमी है जमुना? केस अदालत में है, अदालत में। तुम क्या करोगी? एक ढोली की बेटी जिसने ठीक से पढ़ाई लिखाई तक नहीं की। कानून पता है तुम्हें? कोर्ट कचहरी का मतलब भी पता है? मतलब पता है मेरे पति को। हाँ, मेरे पति समझते हैं, इसीलिए अदालत में जाएंगे और अपना हिस्सा लेंगे। हक से लूंगी मैं अपना हिस्सा। जरूरत पड़ी तो इस घर में सबके हिस्से करवाऊंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। तो फिर आप मर ही जाइए, मर ही जाइए। रागिनी! चाचा जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? चाचा जी, होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है रागिनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमने भैया के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी? भैया के साथ ऐसे बोला जाता है? चाचा जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। बड़ी बुआ, प्रॉपर्टी पाने के लिए, मतलब अपना हिस्सा पाने के लिए आप हम सबसे इस तरह से बात कर रही हैं?
इतना ज्यादा लालच, भाई से ज्यादा प्यारा पैसा हो गया। ठीक कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ। और तुम इतना क्यों बोल रहे हो? अब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, डंके की चोट पर लूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ। और छोटे मामा, मेरी माँ के साथ कभी ऐसा व्यवहार मत करना। अगर फिर कभी आपने ऐसा गलती से भी किया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे मामा हैं। रंजना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चाचा जी से इस तरह से बात करने की? सब शांत हो जाइए, भगवान के लिए सब शांत हो जाइए। ये घर में चल क्या रहा है? जी 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 जी, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतनी अशांति क्यों? आप सब मुझे कहते रहते मैं ढोली की बेटी हूँ, पर आप सब क्या हैं? अनपढ़ लोगों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बंद कीजिए ये सब। कोई अदालत में नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। मैं नहीं जाने दूंगी। उसे नहीं रोक सकते जमुना, अब वो नहीं रुकेगी। मैं हूं ना दादी माँ। मैं उन्हें रोकूंगी दादी। लेकिन कैसे रोक पाओगी? शायद मुझे पता है कैसे, मैं जानती हूँ। इस मुसीबत से हमें निकाल पाओगी? बिल्कुल पापा, अगर आप भी मेरा साथ देंगे तो। पर कैसे? इस मुसीबत का हल कैसे निकालोगी जमुना? ये लोग इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अदालत तक पहुंचा दिया है। जैसे भी करूं, किसी को अदालत नहीं जाने दूंगी, किसी को भी नहीं। इस प्रॉपर्टी पर मेरा जैसा भी अधिकार है, मैं हर जगह से अपना नाम हटाऊंगी, सब त्याग दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा हिस्सा, मेरे पति का हिस्सा, सब कुछ मैं बड़ी बुआ को दूंगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जमुना, जमुना ये। हाँ पापा। पापा, बड़ी बुआ तो आपकी छोटी बहन है ना, तो दे दीजिए। जो भी मांग रही है उन्हें दे दीजिए। अपना हिस्सा क्यों दूं मैं? मैं हिस्सा नहीं दूंगी। जमुना, तुम ये कैसा फैसला ले रही हो? जमुना, ऐसा मत करो बेटा। तुम्हें जितना देखता हूं उतना ही निशब्द होता जाता हूं। तुम्हारा तेज सभी ने देखा है, सूरज की किरणों सा तेज। सूरज की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, अंधेरा नहीं रहने देती। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो, अपने किरणों की रोशनी से पूरे घर में उजाला कर रखा है तुमने। तुम देवी का रूप हो, तुम्हारे पास कुछ भी ना होकर सब कुछ है और सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। आज फिर से तुम्हारा एक नया रूप देखने को मिला। तुम जो भी फैसला लोगी वही होगा। छोटे मालिक, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? नहीं जमुना, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। खुद केदार राय तुम्हारे साथ खड़े हैं। हेलो,
मैं वेद की माँ बोल रही हूँ। हाँ 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 बोलिए, क्या हुआ? किसका फोन है चाचा जी? गीत के ससुराल से फोन है जी। कहिए ना, कैसे फोन किया? क्या बताऊँ आपको, मेरे पति थोड़ा पीते थे। आपके पति पीते थे? क्या पीते थे? गट 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 बोलिए ना जी। वो दरअसल पीने के शौकीन है तो घर पर बॉटल रखते हैं। हाँ, तो बुआ जी ने गंगा जल मांगा और आपकी बेटी ने गंगा जल हटाकर पूजा घर में वो बॉटल रख दी। ओ, तो धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो गया। मतलब वो बोतल मेरे जेठ जी ने मेरी बुआ सास को गंगा जल समझ कर दे दी और उन्होंने वो पूरे घर में छिड़क दी। मतलब क्या छिड़क रही है चाचा जी? क्या बात है? बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसने बताया ये स्कॉच है तो बुआ जी को लगा कि स्कॉच कोई पवित्र जल है। पूरे घर में उसका छिड़काव कर रही है जिसकी वजह से चारों तरफ स्कॉच की महक है। आप लोगों की बेटी बहुत पाप कर रही है, उसे आप लोग समझाइए। उसका जो मनारे कर रही है। मुझे दो, मैं बात करता हूँ। सुन रहे हैं? आपकी बेटी कह रही है कि मुझे डिस्को में ले जाकर डांस करवाएगी। अभी इस उम्र में मैं उसे थोड़ा समझाइए ना। अच्छा ठीक है जी। चाचा जी बताइए ना। क्या प्रलयंकारी घटना हो गई है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? गीत की जो बुआ दादी सास है ना, गंगा जल समझ कर स्कॉच को पूरे घर में छिड़क दिया है। और गीत ने कहा है अपने ताऊ ससुर को कि आपको डिस्को में ले जाकर नचाऊंगी। धीरे धीरे। हेलो, फोन दीजिए। चाचू। हाँ बोलो। आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ की ज्योग्राफी तो मैं बदल कर रहूंगी। और हाँ, जब तक ये लोग अपनी गलती मानकर मेरी जमुना भाभी को सम्मान से वापस उनके ससुराल जाने को नहीं कह देते, तब तक इन सबका ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहेगा। और इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं पता है आपको? 3rd degree ट्रीटमेंट। आइए चलिए, आज मैं आप सबको डांस करना सिखाऊंगी। वे तुम खड़े क्यों? फटाफट म्यूजिक ऑन करो। अरे नहीं वे नहीं, सुनो, मैंने जिंदगी में कभी भी डांस नहीं किया है और इस उम्र में तो होगा भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? डांस क्यों करवा रही हो? मैंने बताया तो था कि हम सब मिलकर डिस्को जाएंगे और खूब मजे करेंगे। नहीं, मैं डिस्को नहीं जाऊंगी। मैं डिस्को क्यों जाऊंगी? और सुनो, हमारे घर से कोई डिस्को नहीं जाएगा। सब जाएंगे। और आप क्या, जरूरत पड़ी तो मैं बुआ दादी को भी डिस्को ले जा सकती हूँ। ये क्या बोल रहे हो भोरानी? बुआ जी को डिस्को ले जाओगी? अगर बुआ जैसी सभ्य औरत डिस्को जाएगी तो कैसा लगेगा बताओ तो? वो अपनी पूजा पाठ में खुश है, उन्हें उसी में रहने दो ना। वही तो मेन प्रॉब्लम है ताऊ, आप लोगों ने ना घर की बेटियों को बहुओं को घर के अंदर कैद करके रखा है, उन्हें आजादी से जीने ही नहीं दे रहे हैं। पता है आपको, यही पुरुष प्रधान समाज की मेन प्रॉब्लम है। पुरुष प्रधान समाज? ये क्या बोल रही है? पुरुष प्रधान समाज ये सब क्या बोल रही है? देखिए, वो ठीक ही कह रही है। मान लीजिए कि अगर बुआ जी विदेश में पैदा होती तो, मान लो अगर वो लंदन में पैदा होती तो, लंदन तब क्या होता? तो बुआ दादी समुन्द्र किनारे दौड़ रही होती। स्विम सूट पहनकर। ए बहुरानी, चुप। अरे क्या बोल रही हो तुम? बुआ जी इस उम्र में स्विम सूट पहनेंगी? आप इस बात को इस तरह से सोच कर देखिए कि बुआ दादी का जन्म अगर सच में लंदन में होता तो वो कितनी मॉडर्न सोच वाली होती। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी फूटी किस्मत जो वो यहाँ पैदा हो गई। और
जब से बेचारी विधवा हुई है तब से तो लगता है कि उन्हें केवल पूजा घर में ही शिफ्ट कर दिया गया है, और खाना दिन रात सिर्फ सादा खाना खाती है। अब आप लोग नाचना शुरू करेंगे या नहीं? चलिए नाचिए ना। अरे मैं कैसे नाचूंगा, मुझे तो नाचना आता भी नहीं। तो मैं हूँ ना, मैं सिखाती हूँ। देखिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप सालसा कर सकते हैं, आप हिप हॉप कर सकते हैं, या फिर आप बॉलीवुड डांस भी कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कौन सा करें। देखो बहुरानी, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता है। डांस के नाम पर बस दुर्गा पूजा में एक बार डांस किया था, बस वही आता है, और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, डिस्को में विसर्जन डांस भी चलेगा, आप विसर्जन डांस ही कीजिए। चलिए चलिए चलिए, अब डांस कीजिए, डांस कीजिए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, स्टार्ट कीजिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 वाह 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 वाह, क्या डांस है ताऊस, क्या डांस है। या भैया, अरे भैया ये देखो, ये देखो कितने बड़े बड़े फूल खिले हैं भैया। भैया भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? भाई बहुरानी डिस्को ले जाएगी। इसीलिए डांस प्रैक्टिस करवा रही है। सिर्फ आपको ही नहीं, आप अकेले नहीं जाएंगे डिस्को, तो मैं आपको भी ले जाऊंगी ससुर जी। चलिए आप भी शुरू हो जाइए। चलिए डिस्को जाऊंगा। वेद, ए वेद, वेद, ये सब क्या हो रहा है? हाँ बहुरानी क्या बोल रही है, ये हम सब लोगों को डिस्को लेकर जाएगी। पापा, पापा सिर्फ आपको ही नहीं, साथ में बुआ दादी और माँ को भी लेके जाएगी। बुआ जी डिस्को जाएंगी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ क्या बकवास है ये, वो एक विधवा औरत है, वो डिस्को जाएंगी। ठीक ही तो कह रही है, आप लोग इतने सालों से एक विधवा औरत पर अत्याचार कर रहे हैं, उसे घर में कैद करके उसे फीका और सादा खाना खिलाया। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तुम्हें देखकर तो लगता कि तुम हमारे वेद हो ही नहीं, तुम मेरे सगे बेटे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं पापा, मैं तो आप ही का बेटा हूँ, बस आपकी बहू ने मुझ में अच्छे बदलाव कर दिए। अच्छा बदलाव, मन तो करता है कि कुछ कहा आपने। नहीं नहीं, अरे बहुरानी अब बस भी करो, ये डांस अब मुझसे ज्यादा नहीं हो पाएगा, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अरे बाप रे, ताऊज होगा होगा। अच्छा आप एक काम कीजिए, मेरी तरफ देखिए, मेरे स्टेप्स देखिए और नाचिए। हाँ। ये वाला हाथ ऊपर उठाइए। हाँ। उठाइए ना ऊपर, अब ये वाला हाथ कीजिए। हाँ। हाँ? हाँ। अब ऐसे कीजिए। हाँ? कीजिए कीजिए कीजिए, 1 2 3 4 1 2 कीजिए। ठीक है हो रहे ताऊज, 1 2 चा 1 2। ये चाचा किसे बोल रही हो? वाह बढ़िया बढ़िया, बस कमर को थोड़ा उस तरफ ले जाइए, ऐसे ही, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ताऊज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। ये बात, बहुत बढ़िया डांस ताऊस, बहुत बढ़िया। ये सब क्या लगा रखा है? अचानक घर में सब क्या हो रहा है? दिन का खाना नहीं बना, यहाँ तक के शाम का चाय नाश्ता भी नहीं। ओहो आप नाश्ते रहे, रुकेगा नहीं। मॉम्स सब कुछ ऑनलाइन आ जाएगा ना। बहुरानी कौन सी लाइन में? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये क्या है? अरे मन्नी, अरे ये सब क्या हो रहा है? कांप क्यों रहा है? मिर्गी का दौरा पड़ा है क्या? बुआ दादी, ये मिर्गी सिर्फ ताऊस को नहीं, अभी तो आप सबको होगी। मतलब सबको मिर्गी क्यों होगी? इससे पहले तो किसी को नहीं थी। अरे ओ पोंपा, जल्दी जा, जूता लेकर आ और इसे सुंघा। अरे खड़ी क्या है, जूता लेकर आ। मैं अभी जूता लेकर आती हूँ, रुको। नहीं नहीं पोंपा, जूते मत लाना, जूते मत लाना, ये अलग तरह की मिर्गी है, ये जूते सुंघाने से ठीक नहीं होगी। इसका नाम है डांस। वो क्या है? नाच ना। ए मन्नी, तू नाच रहा है, पर तुझे तो नाचते हुए कभी नहीं देखा। अरे यही तो मुसीबत है बुआ जी,
बहुरानी ने जो शुरू किया है ना, घर में सभी पागल होते जा रहे हैं। सब कुछ अगर हद में हो तो ही अच्छा, और गीत तुम हद पार करती जा रही हो। ओ गॉड, मॉम्स आप प्लीज थोड़ा स्मार्ट बनिए। देखो नए जमाने के होकर भी आप लोग डिस्को नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं करेंगे, सब अच्छा लगता है क्या? लाइफ को एंजॉय कीजिए थोड़ा मॉम्स। हाँ पापा, हम सभी परिवार के लोग डिस जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे खूब मजे करेंगे। मजे करेंगे हैं? यहाँ मजाक चल रहा है? इतने दिनों से तुम देख क्या रहे हो? हाँ इतने दिन देखा है, लेकिन अब तक मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखा है, अब इस बार मैं कलरफुल देखूंगा। मैं डिस्को नहीं जाऊंगी, मुझे नाच वाच नहीं करना। आप जाएंगे भी और नाचेंगे भी, क्या हुआ नाच के दिखाइए। मैं भी नाचूंगी नहीं। आप नहीं नाचेंगी? नहीं। वेद? हाँ यस डार्लिंग। तुम्हारा सामान रेडी है ना? यस, बस तुम्हारे कहने की देर है। ठीक है, आज से तुम मेरे घर पर ही रहोगे, घर जमाई बनके। क्या मेरा बेटा घर जमाई बनकर रहेगा? यस मॉम्स, आपका बेटा घर जमाई बनकर ही रहेगा। नहीं, वो नहीं जाएगा। तो फिर आप नाचिए, नहीं तो मैं वेद को लेकर चली जाऊंगी। चलिए नाचिए, खड़ी क्यों है आप मॉम्स, नाचिए। ए वेद, तुम कर क्या रहे हो? कोई उपाय नहीं है पापा, उसने ठान लिया है, जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा ना। हैं? अपराध? कौन सा अपराध? वही मुझे आप लोगों ने मंडप से उठने को कहा था ना। वेद, वेद देखो, देखो मेरी बात सुनो। आप नाचेंगे या नहीं नाचेंगे? क्या? नाचेंगे या नहीं नाचेंगे? मैं? हाँ आप जल्दी बताइए, नाचेंगे या नहीं आप? नाचता हूँ। गुड, वेद म्यूजिक शुरू करो। हाँ, हाँ। नाचिए। लेकिन कैसे? नाचिए। आपने कहा था ना, देखिए रुकिए, वेद चलो रुको रुको, चलो चलो बहुत सारी नाच रही है, चलो कमोन कमोन नाचो 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 नाचो। जब सब नाच रहे तो आप क्यों खड़ी हैं? आपको भी नाचना है, चलिए चलिए नाचिए नाचिए, जल्दी जल्दी कीजिए, चलिए नाचिए। हाँ, 1 2 3 वाह वाह वाह, क्या डांस है, बढ़िया। यहाँ आइए मॉम्स, आप भी आइए, हम सब मिलकर एक साथ नाचेंगे। आइए आइए आइए, चलिए मॉम्स। हाँ नाचो नाचो नाचो। बुआ दादी, चलिए ना बुआ दादी, आप भी नाचिए। तुम दूर हटो, मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं करना। बाबा आप भी नाचिए ना बुआ दादी, मैं आपको डिस्क लेकर चलूंगी, चलिए। नाचते नाचते मैं बिस्कुट खाती भी नहीं। बिस्कुट नहीं बुआ दादी, डिस्को डिस्को डिस्को। वो क्या होता है? वहाँ वहाँ डांस किया जाता है, वहाँ पर बढ़िया से गाने बजते हैं, खूब मजे से नाचते हैं। चलिए ना बुआ दादी, चलिए। ना बाबा ना, मुझे अरे नहीं बुआ दादी। बहुरानी, बहुरानी बुआ जी को छोड़ दो, बुआ जी को छोड़ दो प्लीज, हम लोग नाच रहे हैं ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। Thank you.